हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम दो तरह की सिंपल चटनी बनाने जा रहे हैं। दोनों चटनी बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ बहुत कम समय में बनकर रेडी हो जाएगी। ये चटनी आप चाट, दही वड़े, समोसे और कोई भी आपकी पसंदीदा चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चटनी है टमाटर धनिया की चटनी, जिसे आप हरी चटनी भी कह सकते हो। इसके लिए हमें चाहिए होगा धनिया की पत्ती लगभग एक कटोरी, छोटी कटोरी से, टमाटर एक मीडियम साइज़ का, एक हरी मिर्च, चार लहसुन, थोड़ी सी इमली पानी लगभग दो टेबल स्पून के करीब, नमक स्वाद के अनुसार। इन सभी चीज़ को पहले हम पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए पानी यूज़ ना करें, इमली पानी जो है उसी से आप पीसें, और टमाटर अपना पानी छोड़ेगा, इससे आपको और सादा पानी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरी चटनी है इमली गुड़ की चटनी। ये खट्टी मीठी चटनी है। इसके लिए हमें चाहिए होगा गुड़ आधी कटोरी, इमली का पल्प, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, तीन टेबल स्पून इमली का पल्प है ये, लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून, रोस्टेड जीरा पाउडर एक टीस्पून, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपको, काला नमक स्वाद के अनुसार, सादा नमक स्वाद के अनुसार। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम हरी चटनी को पीस कर तैयार कर लेते हैं। इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पीस लिया है, अब इसे साइड रख देंगे। अब हम चलते हैं ये गुड़ वाली चटनी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई चढ़ा देंगे। हम ये गुड़ पहले डालेंगे कढ़ाई में और इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। आपके पास अगर वो मेल्ट किया हुआ गुड़ मिल जाता है तो कोई बात नहीं, उसी को यूज़ करें। इसे मेल्ट करते हैं पहले। ये देखिए, ये मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें इमली पानी जो मिला के रखा था हमने, इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालें। काला नमक पहले डाल दिए, उसके बाद सफ़ेद नमक और ये दोनों मसाले। अब हम इसे चलाते रहेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस ये थोड़ा हल्का गाढ़ा हो जाए, इसे बंद कर दें। ये कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये कम हो गई है। अब हम इसे बंद कर देंगे। अब ये ठंडा हो जाने के बाद ये ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड, ये हमारी दो टाइप की चटनी बनकर रेडी है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। सो फ्रेंड, बाय एंड एंजॉय।